चैप्टर टू हम पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लिक एसिड्स को देखा था. आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम उससे मज़ीद आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स की जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की बेसिकली थ्री टाइप्स हैं, या हम इनको थ्री टाइप्स में, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास है मोनो न्यूक्लियोटाइड, देन डाई न्यूक्लियोटाइड एंड देन पॉली न्यूक्लियोटाइड. एक एक करके हम इन टाइप्स को डिटेल में देखते जाते हैं कि इनके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्हें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं. सबसे पहले हम आ जाते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर. मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, मोनो जैसे कि नाम से आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि मोनो मीन्स वन, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जो कि सिर्फ एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल होते हैं, हम उनको मोनोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एटीपी की एग्जांपल दी थी आपको, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा स्ट्रक्चर था कि एक साइड पर हमारे पास एक एडिनिन ग्रुप था और उसके साथ हमारे पास एक शुगर अटैच थी, राइबोस शुगर, 5-कार्बन शुगर जो है राइबोस, और उसके साथ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच था जो कि तीन फॉस्फेट ग्रुप. इसके अंदर हमारे फॉस्फेट ग्रुप जो है, इसके अंदर हमारे पास तीन फॉस्फेट, थ्री फॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट थे. तो ये हमारे पास एक एटीपी का स्ट्रक्चर था. तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल है. इसके स्ट्रक्चर को हम अगर डिटेल में देखें, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम आपको बताते हैं. जी, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है. अब इस स्ट्रक्चर के अंदर है क्या, बेसिकली ये जो आपके पास पार्ट है, ये हमारे पास है एडिनिन, और इसके अलावा जो ये पार्ट है, ये हमारे पास राइबोस शुगर है, 5-कार्बन शुगर, और उसके साथ हमारे पास तीन जो है वो फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हैं. तो ये ओवरऑल हमारे पास एटीपी का स्ट्रक्चर बन गया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो एडिनिन है, ये राइबोस शुगर जो है वो उसके साथ अटैच है, और ये जो राइबोस शुगर है और एडिनिन, ये दोनों एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है, और फॉस्फेट ग्रुप में बेसिकली तीन जो फॉस्फेट्स हैं वो आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है. यहाँ पे मैंने कोवलेंट बॉन्ड को ब्लू कलर के साथ मार्क कर दिया, ये वाली जो एक बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है. अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया, लेकिन इन बॉन्ड्स का हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें ये फ़ायदा होता है कि हमने एक रिएक्शन पढ़ा था जिसके अंदर हमें पता है कि जो एटीपी है वो टूट जाता है और इससे हमारे पास एडीपी और एक फॉस्फेट जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये अलग हो जाते हैं. ये अलग किस तरह से होते हैं? ये इस तरह से अलग होते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड हैं, इन बॉन्ड्स में से जो एक कोवलेंट बॉन्ड है ये टूट जाती है, ये ख़त्म हो जाती है, और इसके ख़त्म होने से क्या होता है कि एक जो फॉस्फेट ग्रुप है पूरा का पूरा वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. और इसके सेपरेट होने से या इस कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी किसी भी लाइफ प्रोसेस में या कहीं पे भी जहाँ एनर्जी रिक्वायर होती है वो एनर्जी वहाँ पे यूज़ कर ली जाती है, और ये जो एटीपी है ये टूट के एडीपी बन कन्वर्ट हो जाता है. अब ये जो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास रिलीज होता है ये कहाँ जाता है? ये कहीं नहीं जाता, ये सेल के अंदर ही इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. और ये जो रिएक्शन है इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोबारा से रिवर्स हो सकता है. हमारे पास एटीपी दोबारा से भी प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि आपके पास अगर यूँ इक्वेशन लिखे आप इसको रिवर्स कर सकते हो. आप कह सकते हो कि जो एडीपी है इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और इसके साथ आपको कुछ एनर्जी मिल जाए तो ये वाला जो एटीपी है ये दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगा. और यही रिएक्शन बेसिकली हमें पता है कि यही वाला रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल. ये आपने सेल स्ट्रक्चर के साथ जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा था पावर हाउस ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को ये कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? बिकॉज वो
एनर्जी पैकेट्स को जनरेट करता है, एटीपी को बनाता है, और एटीपी जो है वो एनर्जी पैकेट्स हैं। एटीपी को हम मजीद थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि एटीपी क्या है। एटीपी को हम कहते हैं कि ये जो है ये एक एनर्जी करेंसी भी है। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी। एटीपी जो है ये बनता कहाँ है, ये रेस्पिरेशन के दौरान जब हम सांस ले रहे होते हैं या फिर ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसके दौरान ये एटीपी प्रोड्यूस होता है। और ये जो एटीपी है इसका काम क्या है, इसमें हमें एनर्जी देनी होती है, तो जो हमारे पास दोबारा एडीपी बन जाता है, एडीपी जो कन्वर्ट हो जाता है, ये जो हमारे पास कन्वर्जन के रिएक्शन है इसको हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास एडीपी के अंदर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करता है और हमारे पास एक एटीपी बनता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन। और सिंस ये रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में होता है, यानी कि जब आपके पास ऑक्सीडेशन होती है तब ये रिएक्शन कैरी ऑन होता है, तो हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव, जब रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीडेशन हो रही होती है तब ये रिएक्शन कैरी ऑन होता है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब जैसे कि हम एटीपी के स्ट्रक्चर को की तरफ गौर करें, या फिर अगर हम ये देखें कि एटीपी से जब आपके पास एडीपी बन जाता है और आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। फॉस्फेट ग्रुप में क्या है जी, आपके पास PO4 है, ठीक है। तो जब ये आपके पास सेपरेट हो जाता है तो इसके सेपरेट होने से एनर्जी कहाँ से आती है, या ये जो एक हमारे पास एक स्पीशी है इसमें एनर्जी कहाँ से आती है, तो एनर्जी बेसिकली इसके अंदर PO4 के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती, एनर्जी हमारे पास इस बॉन्ड के अंदर होती है। जो हमने कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी किया है, इस बॉन्ड से हमारे पास एनर्जी आती है। ये बॉन्ड जब बनती है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और जब ये बॉन्ड टूटती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिकली इस बॉन्ड की एनर्जी से हमें इतनी एनर्जी मिलती है कि सेल के अंदर जो बाकी काम है, जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, या फिर हमारे मसल मूवमेंट है, या हम जितने भी काम करते हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, हम अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी इन ATP एनर्जी पैकेट से आती है। तो ये तो हमने देख लिया मोनोन्यूक्लियोटाइड को। इसके बाद हम अपने सेकेंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, जो कि था डाइन्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डाई का नाम वर्ड जो है, या बाय या डाई का जो वर्ड है, हम टू के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे हो जाएंगे, या दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जॉइंट फॉर्म में होंगे, तो हम उसे कहेंगे कि वो है डाई न्यूक्लियोटाइड। इसकी एग्जाम्पल को अगर हम देखें, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है NAD। रेस्पिरेशन के चैप्टर जो आपके बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर है उसके अंदर हम इसको डिटेल में, मजीद डिटेल में देख लेंगे। NAD जिसे हम कहते हैं निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसे मैं लिख देती हूँ जी। तो ये इसका नाम है निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइंड फॉर्म में है, इस तरह से कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक बेस है, और इसको यूं हम बॉक्सेस में बना देते हैं। ऑर्गेनिक बेस है, और ऑर्गेनिक बेस के साथ हमारे पास शुगर अटैच है, और शुगर के साथ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, PO3 से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसी तरह हम एक और न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जिसमें हम इसी तरह एक फॉस्फेट ग्रुप बनाते हैं, उसके साथ हम शुगर को अटैच कर देते हैं, शुगर, और शुगर के साथ एक ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक बेस, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में इस तरह से अटैच हैं कि एक ऑक्सीजन है जो कि इन दोनों को आपस में कंबाइन करवा रहा है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली इस तरह से होता है कि हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और ये जो दो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं ये आपस में अटैच हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक डाइन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन गया, जिसे हम कह रहे हैं NAD, NAD, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसी तरह हमारे पास एक और भी इसकी एग्जाम्पल है, जिसे हम कहते हैं FAD। ये भी आप बायोएनर्जेटिक के चैप्टर में दोबारा से देखोगे, FAD से क्या बनता है,
फ्लेविन, एडिनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके स्ट्रक्चर को हम नहीं देखेंगे फिलहाल, हम मज़ीद आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप है न्यूक्लियोटाइड की, वो है पोली न्यूक्लियोटाइड, पोली न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब पोली न्यूक्लियोसाइड क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पोली मीन्स मैनी, तो फिर जब बहुत ज़्यादा या बहुत ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इकट्ठे हो जाएं, तो हम उन्हें कहेंगे कि वो एक पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बन गया है। और ये बनता किस तरह से? इस तरह से बनता है कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है, तो इन दोनों के कम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये है जी न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। जब हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता जाए और वो एक लॉन्ग चेन बना ले, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक पोली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन गया है। और ये बनता किस तरह से? इस तरह से बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसे ग्राफिकली देखें तो ये ऐसे हुआ कि हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप, ओ यू पी ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप के साथ आप एक अटैच कर रहे हो शुगर। शुगर जो है फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होती है, और शुगर के साथ हमें मालूम है कि एक बेस भी अटैच होती है, नाइट्रोजनस बेस, और इस शुगर के साथ फिर दोबारा एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो, फॉस्फेट ग्रुप एंड देन एक शुगर, और इस साइड पे एक बेस, और फिर एक फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरह से ये एक जो चेन है ये चलती जाए, ये इसी तरह आगे लंबी होती जाए, तो ये हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसे है कि यूँ ऊपर और यहाँ से नीचे जो है ये चेन आगे बढ़ती जा रही है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं हम उनको कहते हैं पोली न्यूक्लियोटाइड। इसमें है क्या कि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में इकट्ठे कंबाइन हुए हुए हैं। जैसे कि हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड को जब हम देखते हैं तो ये तीन यूनिट्स जो हैं जब कंबाइन होते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, लेकिन अब इस केस में क्या है कि हमारे पास ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन हुए हैं, यानी हर न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता जा रहा है, होता जा रहा है चेन के अंदर, और एक लंबी सी चेन बन रही है हमारे पास। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हम इसका ड्रॉ करके बताते हैं आपको साथ साथ जी। तो कुछ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ये बेसिकली मैंने अभी फिलहाल दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कंबाइन किया। इसमें है कि हमारे पास सबसे ऊपर तो हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप है, फिर नीचे यहाँ पे शुगर ग्रुप है, फिर एक और फॉस्फेट ग्रुप आ गया, फिर एक शुगर ग्रुप आ गया, तो ये आपस में इस तरह से कंबाइन हुए हुए हैं। अगर हमने इसके साथ एक और ग्रुप अटैच करना है तो वो किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा कि आप एक फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ लिखें, सॉरी फॉस्फोरस, देन यहाँ पे OH, नीचे O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास एक तरह से ये हमारे पास एक और फॉस्फेट ग्रुप आ गया। अगर आपने इसको इस शुगर के साथ अटैच करना है तो होगा क्या? होगा ये कि आपके पास यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अलग हो जाएगा और एक बॉन्ड बन जाएगी इसके दरमियान में, और वो होगी इस तरह से यूं करके हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसमें हुआ क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक फॉस्फोरस और देन ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो एक कार्बन है, कार्बन, ये पी ओ सी, इस तरह से हमारे पास एक नई बॉन्ड बन गई है, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मैं आपको लिख देती हूँ, फॉस्फो डाई एस्ट्रोबोन। एस्ट्रोबोन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन है जो कि फॉस्फोरस और कार्बन को आपस में जोड़ रहा है, जो कि आपस में इनको कंबाइन करें। तो इस तरह से हमारे पास पोली न्यूक्लियोटाइड चेन्स बनती जाती हैं। अपने आज के लेक्चर को हम समराइज करते हैं, इकट्ठा थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को देखा, तीन टाइप्स होती है हमारे पास, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले हमने मोनोन्यूक्लियोटाइड को देखा, और मोनोन्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल में हमने एटीपी को देखा, एटीपी के हमने स्ट्रक्चर को देखा, और हमने देखा कि एटीपी का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर तीन फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, और अगर एक फॉस्फेट जो है वो इसमें से अलग हो जाए तो हमारे पास एडीपी बन जाता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, और यही रिएक्शन जो है अगर हम इसको रिवर्स करके देखें तो एडीपी
के साथ ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है कंबाइन करे तो एटीपी बन जाता है, और इस तरह के रिएक्शन को हम फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और यही रिएक्शन जो है वो कंडेंसेशन के दौरान जो है वो कैरी ऑन होता है, फॉस्फोरिलेशन का रिएक्शन। इसके बाद हमने डाइन्यूक्लियोटाइड को देखा, डाइन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखा, जिसमें हमने एनएडी निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को देखा, फिर फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को देखा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखा पहले हमने, उसके बाद हमने डिटेल में केमिकली जो उसका एक एक बॉन्ड है उसको हमने डिस्कस किया कि किस तरह से न्यू बॉन्ड बनती है और एक पूरी की पूरी चेन जो है वो चलती जाती है। ये तो हमारा आज का लेक्चर था। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियोटाइड्स के जो न्यूक्लिक एसिड्स की एग्जांपल हैं जो कि डीएनए और आरएनए है उसको डिटेल में देखेंगे।